नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैव धीरज है। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस कोरोना काल में, इस पैंडेमिक में, इस सिचुएशन में जिसको कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा बोल रहे हो, क्या इस समय में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि आपको इस समय में कोई भी होटल मैनेजमेंट में डिग्री डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप में से आधे से ज़्यादा लोग जो इस समय एडमिशन लेना चाहते हैं उनके मन में यही सवाल है, कहीं ये जो सिचुएशन है वो ज़िंदगी भर ना चले, उनका कैरियर ख़राब ना हो जाए, उनकी लाइफ ख़राब ना हो जाए, उनका समय और सबसे ज़्यादा उनके पैसे ख़राब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कुछ अपनी बातें शेयर करूँगा जिसके बिहाव पे आप लोग जज कर पाएंगे कि आपको ये सारी चीज़ें करनी ही या नहीं करनी है, आपको इस समय पे होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या दूसरी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री को अगर हम लोग छोड़ दें तो क्या वो बहुत ही ज़्यादा बूम कर रही है? क्या अगर आपका सपना, जो कि इस इंडस्ट्री में आके सब देखते हैं कि मुझे एक शेफ़ बनना है, क्या क्या अगर आप वो छोड़ देंगे, क्या अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री को भी ज्वाइन कर लेंगे तो क्या वो इंडस्ट्री बूम पे जाएगी? तो सबसे पहले ये बात है। दूसरा, अगर आप इस समय पे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं, तो कम से कम आपको 2 साल तो लग जाएंगे सारी चीज़ें क्लियर करने में। आपकी क्लासेस ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। उसके बाद आप अपनी ट्रेनिंग्स के लिए जाएंगे और आप एक तरीके से एक कॉमी थ्री की जॉब के लिए लगभग आपको 2 साल तो लग ही जाएंगे अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं। वहीं आपको 3 या 4 साल लग जाएंगे अगर आप डिग्री कर रहे हैं, अगर आप एमटी के लिए जाना चाहते हैं या फिर से आप भी वहाँ भी आप कॉमी थ्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो लगभग 3 साल और यहाँ पे आपका 2 साल तो आपको लग ही जाएंगे। तो तब तक मेरा मानना है कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे कि ये भी नहीं है कि जैसे कि जो इससे पहले या इस समय से पहले जो कि कॉलेज से पास आउट होकर आते थे डिग्री या डिप्लोमा वाले, उनको भी डायरेक्ट जॉब मिल जाती थी, उनको भी स्ट्रगल करना ही पड़ता था, उनको भी जॉब ढूंढने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती थी। मेरी खुद की माने, जब मैंने अपना डिप्लोमा ख़त्म कर दिया तो मैंने लगभग 6 से 7 महीने मैं घर पे रहा क्योंकि मुझे कोई जॉब नहीं मिली। जब मेरी शिप में जॉब लग गई तो मैं लगभग फिर से घर में रहा 3 महीने क्योंकि मुंबई में बाढ़ आ गई। जब मैं शिप से वापस आया लगभग मैं 4 महीने घर पे रहा क्योंकि मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी इंडिया में, दिल्ली के अंदर। तो सिचुएशंस तो हमेशा बदलती ही रहेंगी, पर आपको मन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी लाइन पे जाना चाहते हैं आपको हमेशा उसके लिए मेहनत करनी है और हमेशा अपने जो रूट्स हैं उसको मजबूत करके रखने हैं। ये समय है आपके पास, अपने बेसिक्स को एंटर कीजिए, अपने बेसिक को स्ट्रांग कीजिए और इतना स्ट्रांग कीजिए कि आपको कोई पछाड़ ना पाए जब भी आप इस इंडस्ट्री में एंटर करें प्रोफेशनली। उसके बाद जब आप लोग पास आउट होंगे उस समय कंपटीशन काफ़ी कम होगा क्योंकि आप में से आधे से ज़्यादा बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि आधे से ज़्यादा उनके माँ बाप भी डर गए हैं कि भैया इस समय ये सारी चीज़ें करना बेकार है। तो आपके लिए कंपटीशन कम होगा। अगर आपके लिए कंपटीशन कम होगा तो आपको जॉब्स मिलना भी आसान होगा क्योंकि जब कंपटीशन कम है और होटल्स तो तब भी खुलने ही खुलने हैं तो वो आपको हायर ज़रूर करेंगे। इसके बाद अगर मेरी माने तो, अगर मैं इस पूरे एक्सपीरियंस से बताऊँ, होटल इंडस्ट्री में कोई भी 60 साल तक नौकरी नहीं कर पाता है। अगर हम किसी अच्छी पोजीशन पर जा रहे हैं, हम लोग एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जा रहे हैं, कॉर्पोरेट शेफ़ बन जा रहे हैं, कंसल्टेंट बन जा रहे हैं, अगर हम अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं तो तब भी चलता है। पर आप सोच रहे हैं कि मैं एक कॉमी थ्री बन के या मैं एक शू शेफ़ बन के 60 साल गुजार लूँगा, तो वो भी बिल्कुल गलत है। और इस कोरोना काल ने हमारे जैसे शेफ़ लोगों को या हमारे जैसे इस इंडस्ट्री के लोगों को ये ज़रूर सिखा दिया है कि भैया जैसे जैसी आपकी उम्र बढ़ रही है आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको खुद ही अपना सेटलमेंट करना पड़ेगा। आपको किसी होटल के भरोसे, किसी रेस्टोरेंट के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, आपको खुद ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मेरी कई शेफ़ लोगों से बात होती है, कई बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव शेफ़ है दिल्ली के, पेस्ट्री शेफ़ है, जो कि अपने खुद के स्टार्टअप्स करने वाले हैं क्योंकि उनको भी समझ आ गया है, चाहे वो एक बड़े पेस्ट्री शेफ़ बन जाए, बड़े एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाए, पर वो तब भी किसी की नौकरी कर ही रहे हैं। और जब आप बड़ी पोजिशंस में नौकरी करते हो तो नौकरी जाने का हमेशा खतरा रहता है। तो उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो वैसे ही उस समय जब आप लोग इंडस्ट्री में एंटर करोगे गायब हो जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अपना स्टार्टअप कर चुके होंगे। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको डरना नहीं है। और इसमें मैं ये भी कहूँगा, जो डर गया वो सो मर गया। जी हाँ, हमारी होटल इंडस्ट्री का ये बहुत ही बढ़िया रूल है, जो इस इंडस्ट्री में डर जाता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आप एंटर करने से पहले डर रहे हैं तो आपको एंटर नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में पूरा ही विश्वास है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को फ्लरिश होना ही होना है,
लोग अपने घर में बंद के बैठे हुए हैं। जैसे जैसे अगर आप देखेंगे जिस जिस स्टेट की गवर्नमेंट्स अलाउ कर रही है रेस्टोरेंट खोलना, आपके आपके होटल्स खोलना, वहाँ के लोग इनिशिएट कर रहे हैं। और आप इवन देखेंगे कि मैं भी कई सारी वैकेंसीज डालता ही रहता हूँ, होटल्स की होगी, क्लाउड किचन की होगी, इवन जितने भी रेस्टोरेंट्स है वो चेंज करके, अपना माइंड सेट चेंज करके बिजनेस तो तब भी कर रहे हैं और वो क्लाउड किचन में अपने कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सिचुएशन अच्छी आएगी ही आएगी आप लोगों के लिए जो कि इस समय होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं। और मैं कुछ लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, अगर आप इस समय एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लें। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हमारी इंडस्ट्री बहुत ही आगे जा के ग्रो करेगी, आप लोग खुद ग्रो करेंगे। और आप लोगों को यहाँ पे मैं फिर से मंत्र बोलूँगा कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें होंगी। आप किसी भी होटल रेस्टोरेंट के या किसी के भरोसे मत बैठिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मोटिवेट भी करी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि आपको इस समय एडमिशन लेना ही चाहिए। और कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे इनसे लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी ये सारे नॉलेज मिल पाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।